हे गाइस, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू हार्ड रीसेट ओप्पो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फैक्ट्री डाटा रीसेट कैसे करना है। इस ओप्पो के फ़ोन को अगर आप फुल रीसेट करना चाहते हैं तो कैसे कर पाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। सो गाइस, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं काफ़ी कॉन्टैक्ट ये फ़ोटो है हमारे में और कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं, सब कुछ यहाँ पर डिलीट हो जाता है आपके फ़ोन से। बिल्कुल आपका फ़ोन डिलीट मतलब क्लियर हो जाता है, सब कुछ डिलीट हो जाता है, फ़ोटो, वीडियोस, कॉन्टैक्ट नंबर। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं ये फ़ोटो वीडियोस अपना बचाना तो बैकअप ले सकते हैं या फिर किसी अदर फ़ोन में कर सकते हैं। और अब आपको जैसे फुल रिसेट करना है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सेटिंग पे जाना है, और सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, फिर यहाँ से एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करते हैं, सबसे नीचे आते हैं, बैकअप एंड रीसेट पर क्लिक करते हैं, बैकअप एंड रीसेट पर क्लिक किया, फिर यहाँ पर इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट, इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट पर क्लिक किया। फिर यहाँ से अगर आप सिस्टम सेटिंग रीसेट कर सकते हैं, नेटवर्क सेटिंग रीसेट कर सकते हैं, बट मैं आपको पूरा फ़ोन फैक्ट्री डाटा रीसेट करना चाहता हूँ। ओके, तो इरेज ऑल डाटा पर क्लिक किया, यहाँ से अपना पैटर्न ड्रॉ कर लेना है अपने जो भी स्क्रीन लॉक पर लगाया है, फिर इरेज ऑल डाटा करना है, फिर इरेज ऑल डाटा पर क्लिक कर देना है। अब आपका फ़ोन बंद हो जाएगा और इसे खुलने में 10 या 5 मिनट का टाइम लग सकता है, तो उसके लिए आपको वेट कर लेना होगा। आपको बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना है, अपना फ़ोन ऑन रखना है। अगर आपका फ़ोन कम चार्ज है तो चार्जिंग पे लगा लेना है। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा फ़ोन रीसेट हो रहा है। ओके, तो अभी हम थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर देते हैं। सो गाइज़, हमारा फ़ोन स्टार्ट हो चुका है, अब आपको फर्स्ट टाइम सेटअप कर लेना है अपना। तो यहाँ पर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, लैंग्वेज नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन टिक करने, ओके, नेक्स्ट, ओके, स्किप कर देना है इसे। ओके, अभी वाईफाई कनेक्ट नहीं करते हैं। ओके, स्वाइप करना है, एक्सेप्ट कर लेना है, फिर यहाँ से लेटर कर देना है, बाद में करेंगे सेट यहाँ से, और इसे लेटर कर देना है, नेक्स्ट कर देना है, फिर यहाँ से नेक्स्ट कर देना है इसे, और इसे भी नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर इंस्टॉल ऑल और लेटर ऑन वाईफाई, लेटर ऑन वाईफाई कर देते हैं, और यहाँ से हमारा फ़ोन जो है स्टार्ट हो चुका है। गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है, वेलकम ओएस, और हमारा फ़ोन स्टार्ट हो चुका है। सो गाइज, इस तरीके से आप अपने इस फ़ोन को फुल रिसेट करने के बाद फर्स्ट टाइम सेटअप कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।